हेलो दोस्तों, राधिका मोबाइल रिपेयर में आप लोग का स्वागत है। मेरे पास में एयरटेल का फ़ोन है, IT6131, जो कि इसका प्रॉब्लम है वाइट डिस्प्ले, यानी LCD वाइट आ रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, स्टेप बाय स्टेप से चेक करेंगे और बताएंगे आप लोग को क्या दिक्कत है इसमें, LCD प्रॉब्लम है या बोर्ड प्रॉब्लम है। तो आप लोग पूरा देखिए। कस्टमर ने बताया मोबाइल गिर गया था, तो फ़ोन को ओपन करते हैं। सबसे पहले सिम को बाहर निकाल लेते हैं। और जो हमारे नए दोस्त देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा कॉल में सेट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई नई वीडियो लोड करेंगे सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो जल्दी से मोबाइल को ओपन करते हैं और चेक करते हैं क्या कंडीशन में फ़ोन है, जो कि वाइट डिस्प्ले आ रहा है। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए। देखिए, मोबाइल ओपन हो गया है। बोर्ड को बाहर निकालते हैं, मदरबोर्ड को बाहर निकालेंगे। देखिए, कंडीशन तो ठीक दिख रहा है। कस्टमर ने भी बताया कि न्यू मोबाइल था, गिर गया था मोबाइल। LCD भी सब सही दिख रहा है। देखिए, कहीं पानी वगैरह भी नहीं गया था। तो सबसे पहले पहला स्टेप है कि रिसोल्ड कीजिए। सबसे पहला स्टेप है रिसोल्ड करना पड़ता है, सभी पिन को रिसोल्ड कीजिए। अगर इसे नहीं होगा तो फिर आपको सभी पिन को चेक करना पड़ेगा रीडिंग। इससे नहीं होगा तो LCD को चेंज करना पड़ेगा। इससे नहीं होगा तो फिर CPU को चेंज करना पड़ता है या रिवोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए, रिसोल्ड कर दिए हैं। मोबाइल को ऑन करते हैं, आपके सामने जो भी हो रहा है देखिए। इसका पहला स्टेप में ही इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखिए, तो सबसे पहला आप लोग को LCD का पिन को ही, जो पत्ता में रहता है पिन, यही सब को रिसोल्व करना पड़ता है। रिसोल्व कर दीजिएगा तो आ जाता है। अगर नहीं आया फिर तो LCD को एक बार चेंज करके देखिएगा। ऐसे नहीं होता है फिर आपका CPU से प्रॉब्लम रहता है या कहीं ट्रैक कट जाता है, इसके कारण से होता है। देखिए, इधर हल्का पानी गया जैसा लगता है पत्ता में, लेकिन वह दिखा नहीं। LCD के पत्ता में तो दिखा नहीं हुआ, लेकिन यह हल्का गया हुआ है। शायद पानी के कारण से हो सकता है, लेकिन दिखा नहीं पानी, यहाँ दिख रहा है पत्ते में। फिर करते हैं, उसके बाद फिर चेक करेंगे, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि मोबाइल फिट करने के बाद में ये वाइट डिस्प्ले भी आ जाता है, दबता है। तो देखते हैं इसको फिट करके। ऐसे नहीं होगा क्योंकि रिसोल्व कर दिए हैं। चलिए, सिम को भी लगा लेते हैं और मोबाइल को ऑन करते हैं। अगर फिट करने के बाद में वाइट आ जाता है तो LCD का ही प्रॉब्लम हो सकता है फिर। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। मोबाइल को ऑन करते हैं, देखिए नहीं हुआ, उसका यही प्रॉब्लम था। रिसोल्व कर दिए, हो गया। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा कर में सेट कर दीजिएगा न्यू वीडियो पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।